हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुल्तानास किचन। देखिए, आज मैं ये जला हुआ कढ़ाई साफ करूँगी। नेचुरल तरीके से साफ करूँगी तो बहुत मेहनत लगेगी, तो मैंने एक शॉर्टकट से क्लीन करूँगी। तो मैं एक ट्रिक से क्लीन करूँगी तो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पानी डालेंगे। बहुत सारा पानी डाल दिया इसमें। अब इसमें डालूँगी 2 से 3 ढक्कन विनेगर। अब नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। 3 ढक्कन मैंने विनेगर डाल दिया। अब इसमें ऐड करूँगी, यह है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सर्फ यानी डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं आप। आइडिया करके थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अब चलिए गैस की तरफ। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दिया। अब इसमें उबाल आने देंगे। टोटल हम 10 से 15 मिनट बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इसमें उबाल आ गया है। 10 से 15 मिनट गर्म कर लिया। अब गैस को बंद कर देंगे और 20 से 25 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। तब जाके इसका जो जला हुआ पोर्शन है वो सॉफ्ट हो जाएगा और पानी भी, कढ़ाई भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब हम क्लीन करेंगे। गैस को बंद कर दिया। अब कढ़ाई को ठंडा होने तक वेट करेंगे। गैस, अब पानी ठंडा हो चुकी है, कढ़ाई भी ठंडा हो चुकी है, थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं करे। अब इस पानी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आधा गंदगी तो उठ ही गया, अब हल्का नरम पड़ गया है। अब इसे थोड़ी मेहनत से ही ये साफ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डाल देते हैं और अब इसमें डालेंगे कोलगेट। कोलगेट से क्लीन अच्छा होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए एक बार में ही क्लीन हो जाएगा। स्क्रच ब्रश से ही क्लीन कर रही हूँ। चलिए अब वॉश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से साफ हो गया। ये जो कालापन आपको दिख रहा है ये जलने के वजह से नहीं है, ये एक नॉनस्टिक कढ़ाई है, बहुत पुरानी कढ़ाई। इसका लेयर जो है ये अंदर से उठ गया है और साइड में, और ये बीच में थोड़ा सा कालापन है, लेयर है। ये जो जला हुआ पोर्शन है वो आसानी से क्लीन हो गया। देखिए, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।